आज हम होली स्पेशल बनाएंगे ठंडाई की रेसिपी, वो भी सिर्फ एक मिनट में। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड का ठंडाई सिरप मिलती है, जैसे कि हल्दीराम का हो या फिर कोई दूसरे ब्रांड का हो, तो उससे भी आप बहुत इजीली एक से दो मिनट में ठंडाई बना के रेडी कर सकते हो। लेकिन सेम उसी ठंडाई सिरप को आज हम घर पे बनाएंगे और आप उसे कम से कम एक से डेढ़ महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो और जब चाहे आप फटाफट से ठंडाई बना के एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से हम इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक बाउल में दो बड़े चम्मच बादाम लेंगे, उसके साथ एक बड़े चम्मच लेंगे काजू, उसके बाद हम इसमें एक बड़ा चम्मच लेंगे पिस्ता, फिर ये खरबूज का बीज या फिर जिसे मगज़ बोलते हैं उसमें से हम दो बड़े चम्मच लेंगे, और ये पॉपी सीड यानी कि खसखस लेंगे एक बड़ा चम्मच, उसके साथ यहाँ पे सौंफ यानी कि फेनल सीड लेंगे एक बड़ा चम्मच, और उसके साथ आधा चम्मच लेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और फाइनली हम इसमें 7 से 8 इलायची डालेंगे। और इन सारे चीज़ों को हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि उसमें से जो इम्प्योरिटी होगा वो अच्छे से निकल जाएगा, फिर हम उसे सोक करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे चीज़ों को 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है और एक छन्नी से मैंने छान लिया है। अब ध्यान रखना, आप जिस छन्नी में इसे छानोगे तो एकदम बारीक होना चाहिए, नहीं तो जो खसखस होता है वो इजीली उसके अंदर चला जाता है स्ट्रेन होके। तो इसलिए इसे छानने के लिए आप एक बारीक वाला छन्नी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एक साफ कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम इसमें गर्म पानी डालेंगे 1 कप और लगभग 3 से 4 घंटे के लिए इसे सोक होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी सोक होने के लिए छोड़ सकते हो। आप जितने अच्छे से इसे सोक करोगे ठंडाई का सिरप भी उतना अच्छा बनेगा और एकदम फाइन बनेगी। तो 4 घंटे के बाद यहाँ पे देखिए सारे चीज़ एकदम अच्छे से फूल गई है और अच्छे से सोक भी हो गई है। अभी हम क्या करेंगे ना, इन सारे चीज़ों को हम पीस लेंगे, बिल्कुल अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो पहले हम एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, उसके साथ हम पेस्ट बनाएंगे और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के भी आप उसे पीस सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ड्राई रोज पेटल लिया है, सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी लिए है, उसे भी हम डाल देंगे और इसके साथ हम उसे बारीक पीस लेंगे। इन ड्राई रोज पेटल्स की जगह आप गुलकंद का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ठंडाई में। तो यहाँ पे मैंने सारे चीज़ को बिल्कुल अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। तो टेक्सचर आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ट्राई करना कि आपका जो पेस्ट बिल्कुल बारीक होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो इसे हम यूज़ करने से पहले एक बार छान लेते हैं ताकि हमारा जो ठंडाई का सिरप भी एकदम स्मूथ टेक्सचर की बनेगी। यहाँ पे देखिए मैंने एक छन्नी में सारे मिक्सचर को डाल दिया है और इसी तरीके से हम उसे प्रेस करते हुए चलाते हुए छान लेंगे। और यहाँ पे जिस मिक्सी जार में हम पेस्ट बनाए थे उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से धो के हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे, सारे चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दबा दबा के बिल्कुल अच्छे से मैंने उसे छान लिया है और ये देखिए इलायची का और पॉपी सीड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकल गया है बिल्कुल अच्छे से छान के। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है रेडी हो गया है। अभी हम इस मिक्सचर को साइड पे रख देते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई में 1.5 कप चीनी डाला है, उसके साथ मैंने यहाँ पे जिस कप में चीनी डाला है मेजरमेंट करके उसी कप से आधा कप से ऊपर यानी कि 3/4 कप मैंने पानी डाला है। तो इसे अब हम बिल्कुल अच्छे से बॉयल करेंगे, यानी कि चीनी जब तक अच्छे से पानी के साथ घुल ना जाएगा तब तक हम उसे इसे कुक करेंगे। यहाँ पे सिरप को हम गाढ़ा नहीं बनाएंगे या फिर कोई एक या दो तर का नहीं बनाएंगे, बस चीनी जब अच्छे से घुल जाएगी पानी में तब तक हम उसे बॉयल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल गई है। इसी स्टेज में हम इसमें केसर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप केसर नहीं डालना चाहते हो तो बिना केसर का भी आप इस सिरप को बना सकते हो। तो अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो केसर जो है आप उसे पहले से गर्म पानी में थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे डायरेक्ट यहाँ पे मिला दिया है। इसी स्टेज में हम जो पेस्ट छान के रेडी किए थे उसी पेस्ट को हम डाल के मिक्स करेंगे। तो इस पेस्ट को हम बिल्कुल अच्छे से कुक करेंगे और ऐसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। लो से मीडियम फ्लेम में हम उसे कुक करेंगे। जब तक ये जो मिक्सचर में एक अच्छा सा साइन ना आ जाएगा और ये गाढ़ा ना बन जाएगा तब तक हम उसे कुक करेंगे। तो अब देखना धीरे धीरे करके मिक्सचर का कलर भी चेंज होता जाएगा और ये गाढ़ा भी बनता जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिक्सचर का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और ये हल्का सा थिक हो गया है, बट इसमें एक अच्छा सा साइन नहीं आया है। तो इसे और थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सचर को लगभग 15 से 17 मिनट कुक कर लिया है, तो मिक्सचर में एक अच्छा सा साइन भी आ गया है। लेकिन ये सिरप अभी तक रेडी हुआ है कि नहीं आप जानोगे कैसे। एक स्पून लेके सिरप में आप डिप करना और इसे ऊपर उठाना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा सा स्पून के ऊपर कोट हो गया है मिक्सचर का। तो इसका मतलब हमारा जो मिक्सचर है सिरप है बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इससे थोड़ा पतला भी रख सकते हो, मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है यहाँ पे मिक्सचर को।
ठंडा होने के बाद ये और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो बीच बीच में आप एक स्पून की मदद से इसे चेक करते रहना कि मिक्सचर रेडी हुआ कि नहीं। जब आपका स्पून में एक अच्छा सा कोट आ जाएगा तभी आपको गैस का फ्लेम को बंद कर देना है। मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा कुक कर लिया है तो मिक्सचर मेरा थोड़ा सा थिक हो गया है, बट इसमें जो ठंडाई का टेस्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगी। अभी हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे, 6 से 7 ड्रॉप जैसा। इसमें बिल्कुल भी टेस्ट में चेंज नहीं आएगी। और लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच रोज वाटर डाल के मिक्स करेंगे। रोज वाटर से क्या होगा ना, ठंडाई में एक बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्लेवर मिलेगा। और लेमन जूस ऐड करने से क्या होगा ना, जब हम इसे फ्रीज में रखेंगे स्टोर करने के लिए तो ये जमेगी नहीं, क्रिस्टलाइज नहीं होगी मिक्सचर सिरप हमारा, और ये एज इट इज़ सेम कंसिस्टेंसी सेम टेक्सचर की रहेगी। तो यहाँ पे ठंडाई सिरप हमारा रेडी हो गया है। इसे हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम उसे एक एयरटाइट जार में या फिर कंटेनर में हम स्टोर करके रख लेंगे। इसे स्टोर करने के लिए आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो, बट वो एयरटाइट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक कांच का बोतल लिया है, बट एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब मिक्सचर कंटेनर में भरोगे तभी मिक्सचर एकदम ठंडा होना चाहिए। तो इस सिरप को मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है ताकि बोतल के अंदर मैं इजीली भर सकूं। आप यहाँ पे एक फ़नल का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पूरे बोतल में सिरप भर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है, आप इसे स्टोर कर सकते हो 1 से 1.5 महीने तक, और जब चाहे आप यूज़ कर सकते हो। बट हम उसे यूज़ कैसे करें अभी मैं आपको बताऊँगी। हमें क्या करना है, सिंपल चिल्ड मिल्क लेना है, एकदम ठंडा दूध लेना है। आप चाहो तो बर्फ़ भी इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास दूध लिया है, तो 2 ग्लास में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून डाला है ठंडाई का सिरप। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे टेस्ट करके आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग सिरप का क्वांटिटी जो है आप कम ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हो। तो हमारा ठंडाई देखिए बिल्कुल 1 मिनट में बन के रेडी हो गया है। बस सिरप को दूध के साथ मिक्स करके ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता, केसर या फिर रोज पेटल से गार्निश करके आप इसे सर्व कर सकते हो। तो इस साल होली से पहले आप इस ठंडाई सिरप को बना के रेडी रखिए, और होली के दिन आप जल्दी जल्दी में फटाफट से इसे बना के सर्व कीजिए। आई होप इस रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक न्यू और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।